अभी हम जदयू के कार्यालय के कर्पूरी जो ये है सभागार के सामने खड़े हैं। जदयू के कुछ कार्यकर्ता हैं, बैठे हुए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहारियों का खून खराब है, आपके मुख्यमंत्री उस पर कुछ नहीं बोलते। देखिए ये काम हमारे जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, बोलने के लिए बोलेंगे, समय के हिसाब से सब कोई लोग बोलता है। समझ गए, क्योंकि ऐसा न्यूज़ तो हम लोग अभी सुने नहीं है। तीन दिन से ये न्यूज़ चल रही है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहारियों का खून खराब गंदा है। नहीं तो अभी हम लोग ऐसा सोचना नहीं है भाई जी, इसलिए इस पर अभी कुछ ना हमको बोलना ठीक नहीं है। क्या कहेंगे सर आप? हमारे पार्टी के प्रवक्ता अधिकृत हैं, इस पर जो भी बोलना होगा प्रवक्ता महोदय ही बोलेंगे। और देख लिया आपने ना, वही चीज़ है कि भाई बेटा यदि मार दे गाल पे थप्पड़ भी ना, तो भाई बेटा है, भाई है। अब कांग्रेस के साथ रहना मजबूरी है नीतीश कुमार की, तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसे कांग्रेस को कुछ बोलेंगे लालू जी पीछे से पैर खींच देंगे इनका, और बुढ़ापे में जो है सत्ता छोड़ना चाहते नहीं है। कुछ भी कह लीजिए आप बिहारी को तेलंगाना में बैठ के, कितनी भी गाली दे दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे। और उनके ये तमाम जो कार्यकर्ता और नेता, यहाँ तक कि शीला मंडल परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने भी मुंह अपना नहीं खोला इस मुद्दे पे। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।